कई दिनों से कोई कीमती माल भी हाथ नहीं लगा, धंधा मंदा चल रहा है, इससे तो बस स्क्रैप का धंधा। दिलावर भाई, आज एक ऐसा आइटम लाया हूँ जिसको आज तक आपके बाप दादा भी नहीं देखे होंगे। छोटे धंधे में बाप दादा को बीच में नहीं लाते। माफ करना दिलावर भाई, छोटा आदमी हूँ ना, खुश होने भी नहीं आता। चल माफ किया, बोल क्या लाया। क्या चीज लाया है इसको खुद नहीं मालूम होगा। कॉमन आइटम है। क्या बात कर रहे हैं दिलावर भाई, खानदानी नवाब की शेरवानी की जीनत को कॉमन आइटम बोल रहे हैं? पूरा सेट है तो बोल, 2.5 लाख देता हूँ। 5 लाख की पार्टी को अपन पीठ दिखा के आ गए। चल बैठ के बात करेंगे। तो आजकल पार्टियों के पास भी जा रहा बोल। पूरा सेट ला, 5 लेके जा। क्यों रे, भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है दिलावर भाई, उसूल भी तो कोई चीज है, है? मैं सेट लेके आता हूँ। साला सूरत से तो घेत लाए लेकिन काम लाखों का कर दिया। जा रहे इसका पीछा करो और देखो माल कहाँ छुपाया। कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। दिलावर अगर 5 लाख बोल रहा तो ये हीरे कम से कम 25 लाख के हैं। आज अपन संजय दत्त के जैसा बड़ा हाथ मार लिए। छोटू नवाब आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। इतने छोटे काम के लिए आपने क्यों जहमत गवारा की? अगर आप हुक्म करते तो हम खुद हाजिर हो जाते और बटन टाक देते। हम चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं और पहली बात तुम ये हम मत बोल, छोटे लोगों के मुंह से हम अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये शेरवानी के बटन इतने महंगे हैं कि हम खुद अपनी मौजूदगी में टकवाने आए हैं। ठीक है नवाब साहब की शेरवानी के बटन जल्दी जल्दी टाको रे। मारे तो टाका नहीं तो फाका है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सा। मैं पेशाब करके आता हूँ, जा तू टाक के रख। अरे तू निकलो जी, मैं आ रहा हूँ, चलो। तू रुपये कर दिया देख मैं। ठीक है सर। छोटू चिराग या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सरकार। चल बेटा बिरबल यहाँ से निकल ले। अरे ओ मोटू मेरी शेरवानी दे। अरे मेरी शेरवानी दे। छोटू मिल गई। क्या मिल गई? गाड़ी की डब्बी। अरे मेरी शेरवानी। शेरवानी तो हाँ। अगर मेरी शेरवानी नहीं मिली तो गोली मार दूंगा। उस्ताद तुम वीरप्पन की गैंग में थे क्या? जंगल के पूरे रास्ते मालूम तुमको? उस्ताद के साथ रहकर अब चोरी भी सीख गया, आगे क्या क्या सीखना पड़ता कि अब। उस्ताद छुपने के बाद से ये भूत पगला मिला तुम्हारे को? ऐसे जगह सेफ है तेरी, यहाँ पे सिवाय शैतानों की और कोई नहीं आता, समझा? अब डर रखो, आ खतरा टले तक ये भूत बंगले को अपना घर समझ। चल कहीं को डर रहा, मैं हूँ ना। अहिले गले में ताबीज भी नहीं है, जिम्मे पलिता भी नहीं है, कहाँ फंस गए रे भैया। उस्ताद जरा हीरा निकालो ना, देखेंगे मेहनत का फल कैसा रहता है। ये देख, अब ज्यादा नको देख, ज्यादा घुरा तो फूट जाएगा, तेरी नजर अच्छी नहीं है। 1-2 दिन में सौदा करके दूसरे सिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? उसके बाद लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तब तो फिर मैं जिम ज्वाइन करके दुबला हो जाता। ऐसा? फिर तो फेमस हो जाता तू। वो कैसा? देख, अब तू जिम ज्वाइन करके दुबला हो गया समझ, हाँ? तो जिम वाले क्या करते, तेरी फोटो निकाल के सुलाब कॉम्प्लेक्स पेशाब खानों पे लगा देते और नीचे लिख देते बिफोर आफ्टर। क्या बेइज्जती करते हो उस्ताद। अच्छा चल जान दे, सो जा, आज के बाद बड़े बड़े खवा देखना है अपने को। चाहते हैं तो पूरे भूतों के खवा। साहब माफ कर दो साहब, हम लोगों को, हम गरीब छोटे मोटे लोग हैं साहब। अब आप चंगेजी खानदान के दामाद है तो छोटे कैसा हो गए? हाँ मैं चंगेजी खानदान का दामाद कब से हुआ रे? जब से इनकी बहन अनारकली आपको पसंद करने लगी। आपकी बहन मेरे को पसंद करे? वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि लड़कियां मेरे को देख देख दीवानी हो जाती है। सलीम मेरे सलीम,
कहाँ चले गए थे तुम सलीम? शादी का मंडप छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? ये पागल कौन है भाई? अच्छा ये पागल नहीं सलीम, हमारी बहन आपकी होने वाली बीवी है। सलीम मुझे एक बोलो सलीम, मेरे सलीम, सलीम। अरे भाई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उस्ताद, ये गांव वाले तुम्हारे रजियापा का मर्द बना के छोड़े सरकार दिख रहा मेरे को। इतने दिनों में एक बात समझ में आई रे कि रजियापा का मर्द सूरज चाल ढाल में मेरे जैसा है बोल के। सोने पे सुहागा, उनका नौकर टीपू भी मेरा सगा दिखता करते। कुछ भी हो बाप, सारी दुनिया भी अगर अपने को रजियापा का मर्द बना देना तो अपन ये बात ना माने है ना मानेंगे। और जरा सुल्ताना के मामले में सीरियस नको, नहीं तो पूरे गाँव वाले हलीम घोटा सरकार घोट देंगे अपने को। चास लेके देख रहा हूँ, पटी तो पटी, नहीं तो कैटरीना के फ्रेडी बोल के निकल जाना है। फिर शेरवानी का दीवाने बात न को कर, शेरवानी का से तो इतनी परेशानी झेल रहे, उसके बगैर कैसे जाते रहे? खाली बातों से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। फिक्र मत कर, शेरवानी के लिए सारा घर खोद देंगे। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप। अरे फ्लास, तेरे से तो अमिताभ बच्चन अच्छा है, देख जाके धर्मेंद्र की शादी की बात कर रहा। बुरा नहीं तो उसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी शादी की बात, कलिज करता हूँ। ऐसा सही बोल रहा? अब ज्यादा मस्का न कमरो, कल जाता हूँ। जाके शादी की बात ऐसा कर कि उसका बाप सहरा लेके आ जाना गाते हुए, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। क्या बोलता? देखिए अरे लावारिस, मैं वह बैल के जैसा मेहनत कर रहा हूँ, तू या कुत्ते के जैसा लौट रहा, शर्म नहीं है तेरे को? ये धूप में काम नहीं होता, अपने से दूसरे नौकर को देख लो, वैसे भी हल बैल चलाता, ये शेर नहीं। अरे वो धूमकट्टे शेर, इसके वास्ते आपकी बात, तेरे को इलेक्शन में ठहरा रहा हूँ मैं। वो कैसा इलेक्शन में ठहराया तो अपोजिशन वालों से कम तेरे अम्मा कौन थे, बाबा कौन थे, पता तो चलेगा। इसको देखो, बैग घुमा के ऐसा खुश हो रहा जैसा ओबामा की बेटी से इसकी शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र है भाई उड़ गए। इनको देखो नवाब साहब, रिलीफ कैंप में लोगा घर का फालतू सामान डाल के खुश हुए जैसा इन पागल बहन को मेरे गले डाल के खुश हो रही। अच्छा हुआ सलीम, तुम जिंदा हो गए सलीम, मैं बहुत खुश हूँ सलीम। और ये पागल, एक हैंडसम जवान मिल गया बोल के और पागल हो जा रही। छोटू मास्टर, तेरे से तो एक दिन चाइना वाल पे चुन्ना डालूंगा रे। अब ये लोगों से बचना है तो अपन भी पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर देना। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। क्या दीवाने चाले कर रहा ना, आप सब से जूते खाता क्या? खबरदार खामोश रहो सबके सब। अरे नवाब, अकबर बीरबल को मेरे हवाले कर। दिलावर भाई बहुत अच्छा करे, दिलावर भाई आप आ गए सो, मेरे को बचा लो दिलावर भाई, नवाब से मेरे को बचा लो। मरना नहीं, हे पिस्तौल भरी हुई है, तुम लोग बचो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए कालिया, कितना गोली है इसके अंदर? भाई मेरा नाम कालिया नहीं, टीपू है। जितना पूछा उतना जवाब दे रहे गेंडे, नहीं तो कल लोकल खबरनामे पे आ जाएगा। शाली बंडे के चौराहे पे एक मोटे शख्स का बेरहमाना कत्ल। पागल हो गया रे इन्हें। और तू 6,500 के जहेज पे 6.5 फीट की अलमारी फ्री, काम की ना काज की। हल्ला रे।
आ गया आ गया डॉक्टर वाला आ गया आला लेके आ गया आ गया आ गया मेरा पेशेंट अच्छा हो गया मेरा पेशेंट अच्छा हो गया मेरा पेशेंट अच्छा हो गया राई भी चाई आम छू इमली छू काला रे बंगाला छू आम छू इमली छू क्यों कैसा अच्छा कर दो तेरे को मैं तातर में चला ले तू नदर में तले नदर में तातर का कोका मत तातर ये चला ले कर बात कर बात कर हेलो प्रश्न देख रहा हूं अभी आ रहा हूं ता बतरी के क्या बात कर मैं चल जा तेल भी नहीं लगाया मैं ना बस स्टॉप पे दिख रहे ना रेलवे स्टेशन पे दिख रहे कहां चुप गएगी ये लोग चल जाके आगे देखेंगे लोग चल निकलते हैं बाइक निकाल ये लोग इलेची मिलेंगे ना रे ओसे पान के पेड़े में छुपे की क्या है कि चल आगे के सेंटर पे देखेंगे पकड़े बगैर छोड़ना नहीं है आ जाओ सद आ जाओ घर में कोई भी नहीं दिख रहा पैक कर लेके निकल जाएंगे आ जाओ चल पुराना गोदाम है सर ये जल्दी ढूंढने तो बैग मिल जाता अब जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे समझा अब सुकून दिख रहा है हाथ निकाल पीछे से जब देखो हल्लाख में उंगलियां करते रहता फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन चलो खाना लो खाना चिच्चा ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे तुम दोनों ही तो है क्या तू भी बदकमा है रे चार लोग एक सूरत के कैसा हो सकते क्या हुआ मिल गया नहीं मिली क्या तो भी मिली रे ये तो अपन लोग ही ना रे मगर मैं मर गया अभी तो ऐसा दक्षिणानु हेयर स्टाइल नहीं रखता फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को फिल्मों में डबल एडिटिंग होती देखो फिल्मों में भी एक सूरत के दो आदमियां रहते मगर दो सूरत के चार आदमियां कैसा रहते रे क्या है कि उस्ताद जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा क्या है कि छोड़ कोई तो भी आ जाएंगे टाइम नहीं है अपने पास चल बैग ढूंढ के चल फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी समझ में नहीं आ रहा देख क्या हो रहे हो दोनों चोरों को आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है तुम जैसे चोरों के साथ नहीं क्या चोर चोर की रट लगाए साहब जिंदगी बर्बाद करके रख दिया मेरी अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा मेहरबानी करो साहब छोड़ दो हमारे को अगर तेरे घर में शेरवानी है तो घर को फोन करके शेरवानी मंगा और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ साहब हम गाँव के मेहनत कश लोग हैं साहब शेरवानी क्या हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब और हमारी आजादी छीन लिया अगर आप ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा अरे और कर भी कह सकते रुको भैया रुको मेरे सलीम को छोड़ दो ये मेरे सलीम है मेरे सलीम को छोड़ दो मेरे सलीम को छोड़ दो भैया छोड़ दो इन्हें क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ ये मेरे सलीम है भैया इनको छोड़ दो भैया क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा और ये क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी आए अरे ओ झिंगे गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा ये पार्किंग नहीं है कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है किसका कस्टमर है तू आपका ही कस्टमर हूँ ये मुंह और मसूर की दाल यहाँ सिर्फ खानदानी नवाबों के शेरवानियाँ सिलते तू कौन से खानदान का है रे शेरवानी सिलाने आया कोई रिश्ते की बात करने नहीं आया आप कोसे खानदान के बारे में पूछ रही अरे वो नीके खानी के सुखे खजूर यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानियाँ सिलते तेरे जैसे फटी चोरों के नहीं चल जा आप अच्छे सीते बोल के आया तो ऐसा डिमांड कई को दिखा रही अच्छा सीती है अरे फाइव स्टार होटल में भी अच्छा खाना मिलता है कभी वहाँ जाके खाया नहीं खाया इससे पहले के कोई और नवाब आए तो यहाँ से चले जा गाड़ी अब शादी की शेरवानी कहाँ से लाना की अरे वो झुंगूर गाड़ी निकाल और निकाल जान दो भाई अब रेडीमेड ही ले लेते
आइए चले जा चले चल आइए 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 नवाब साहब अभी बीमार कमजोर नातवान तेरे को चलने नहीं आता तो एक जगह बैठे रहे। अभी सरकार आपके आने की खुशी में मैं उछल पड़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या खूब बहाना है। अब ये शेरवानी का क्या करेंगे? अजी सरकार शेरवानी का आप बेफिक्र रहिए, मैं ट्रैकिंग में आपको मिला के दे देता हूँ। तो वो कौड़ी के दर्जी, तू हमारी शेरवानी ड्रैकलिन में धुलाएगा? तेरे को मालूम है हमारे कपड़े लंदन में धुलते हैं, वो लंदन कहाँ है तुझे पता है? ये सब ये दोनों फ्लासियों की तरफ से हुआ, ये लोगों का सुबह सुबह में फ्लास मुंह देखा ना, आपका नुकसान हो गया नवाब साहब। अरे ये क्या लेबर गले पड़ू, इंडिया में अच्छा तो टीवी का खुशुर करते। चलो नाला आखो काम करो, ये हमारी शेरवानी को लंदन के ड्रैकलिन में धुलवा के मंगाओ। और वो पुरानी शेरवानी का क्या हुआ? हाँ सरकार मैं कल पहुंचाऊंगा, मैं आप बेफिक्र रहिए कल तक मिल जाएगी। शर्फू मियां, वैसे तो तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को हम अपनी दहलीज पर भी कदम रखने नहीं देते, मगर तुम्हारा छोटा खानदान बरसों से हमारी खिदमत करते आया है, इसलिए तुम मेहमान की तरह नहीं खिदमत गुजार की तरह हमारी दावत में शरीक होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद हो, सरकार ने हकीर को इस काबिल समझा। ठीक है, ये शेरवानी हम भिजा देंगे। शुक्रिया खुदा खुदा। चलो रे काम करो, चलो काम पे लगो। अरे मियां भाई बैठा हुआ है, तवाई से आ रही है। गली बदल लेंगे क्या? सूरता बदल ले, टेढ़े बिंगे कर ले। उतर रे दूसरी गली से। भानावती के कुंभे किधर आए थे? बस्ती में मुजरा करने आए थे। वो बशीर भाई से मिलने आ गए थे भाई। अच्छा, का जरा तेरा फोन तो दे। हेलो, यस, हेल्थी वेल्थी हॉस्पिटल बोलिए। आपको डेड बॉडी चाहिए क्या? कौन है आप, कहां से बोल रहे हैं? मैं एक मेहनती किलर हूँ, महीने में 30-35 लोगों को